यहाँ पे मम्मी कान्हा जी को तैयार कर रही हैं क्योंकि आज है इनका बर्थडे। बाल मैंने खुद नहीं पहनाए और बेडशीट वगैरह सब धोई है तो इसलिए मैंने बेड पे बैठा है लड्डू। आज पूरा बेड वेड हटा के पूरी सफाई की है, पूरा मतलब सोफे वगैरह हटा के। और अभी आप सफाई मत करना, अभी मैं ट्यूशन से आया हूँ। हाँ अभी ये ट्यूशन से आई है और मैंने बाल धोए हैं, नहाई हूँ दोबारा से, सुबह भी नहाई थी और अब टाइम हो रहा है 7 के करीब। और मैं सब लड्डू को तैयार कर रहे हैं क्योंकि केक कट होगा लड्डू का, और फिर मिलते हैं आपसे। मैं तैयार करके लड्डू को लड्डू के बास्केट में इसके कपड़े पैक कर देते हैं। और हाँ हम गिफ्ट में लाए थे लड्डू के लिए ये है बेड शीट, ये हैंकी है लड्डू का जो हम लेके आए थे, ये ड्रेस है मानसी आप बता दो मेरे गले से निकल रहा है। तो बेड तो वहाँ उधर दिखा दो, बेड वगैरह वहाँ है उधर दिखा वो रहा बेड। और मैं यहाँ की सफाई कर रहा था एक्चुअली भी। हमने बिठा दिए हैं लड्डू आराम से। ओए 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 ये आराम करवाने के लिए, जब आराम करवाना हो ना तब अब तो मैं नीचे बैठाऊंगी क्योंकि आराम करवाने के लिए। और ये इसके पिल्लो है, ये बेड शीट है, ठीक है। तो ये है हमारी तरफ से लड्डू के लिए गिफ्ट। और एक ड्रेस ये थी, दो ड्रेस अभी हम दो ड्रेस लाए थे, एक इस पन्नी में और एक ये वाली है, ड्रेस ये थी कॉटन की। तो बस अभी काम कर लेते हैं फिर मिलते हैं आप सबसे। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मम्मी आप वीडियो क्यों बनाते हैं? वीडियो काम इतना होगा हिमांशी क्या काम करती है, आप इतना काम करो। उस दिन मैं सफाई में बाहर कर रही थी, मंदिर भी साफ किया था पूरा। एक्चुअली मैं स्कूल नहीं गई थी तब जाके मेरे को पता चला है मम्मी मंदिर साफ कर रही है, वीडियो ही बना रही हूँ। मम्मा यार रोज ही हो गया मंदिर साफ, पर वो पूरा हटा के किया था मैंने। ये बोल देना कान्हा जी का बर्थडे तो फिर बना रहे हैं, परसों किया था मैंने पूरा हटा के, मंदिर पूरा उठा के अलग रख के पूरा पीछे से, और मतलब पूरी ही डस्टिंग की है पूरे घर की। बस मास्क लगाए रखती हूँ इसलिए नहीं बनाती, मास्क हटाना पड़ता है फिर मुझे, तो मास्क भी लगा के बनाने के। बाल वाल अभी भी मेरे खुले हुए हैं, अब मैं ये पूरी तरह से सेटिंग कर देती हूँ। अभी तो बहुत सारा सामान है लड्डू का, जब तक मैं भी सफाई में लग जाता हूँ। हाँ ये भी रख देती हूँ, ये लड्डू के आया नहीं पड़ा है। तो अभी भी मैंने कान्हा जी का जो कान्हा जी की टेबल है मैंने अभी साफ करके पूरा सेटअप किया है, और जो कान्हा जी की बास्केट है उसमें रखी हुई है मैंने अभी तक, बाकी कुछ इस तरह के लगे हैं। यह है शिवा हमारे घर, दोनों भाई लेके आए हैं। क्या लेके आए? ओ हो बस 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 कर, पसीने पसीने हो रही हूँ अभी काम करके आए। राम राम जी, कैसे हैं आप सब? कैसे करते हैं आप सब? अच्छे हो गए अपने अपने घर में? नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रहे। अरे जियो जियो या, और बर्तन वर्तन साफ करके आई हूँ, किचन साफ करके आई हूँ। और आप सब कैसे हैं? कैसे करते हैं आप सब? अच्छे हो गए अपने अपने घरों में? खुश हो गए मस्त हो गए। तो बस अभी मैं पूछ लेती हूँ क्या क्या सामान ले गया। वैसे मेरे हिसाब से सारा सामान ले आए हैं, सामान सारा ले आए, कुछ रहेगा है? तो किस टाइम आएंगे भाई? अभी थोड़ी देर में, कितनी देर में? तो पहले खाना बनाने का था लेकिन हमारा तो गैस खराब हो रहा था सिवा है, अब ज़्यादा हो रहा हूँ कल से लेके जाएंगे, इसलिए खाना भी नहीं बना रहे। बस सफाई सफाई की है, सफाई सफाई से ही
पूरा बेड वेड हटा के जितना भी मतलब क्लीन किया है। लड्डू का बर्थडे था इसलिए, और लड्डू हम विराजमान है अभी। तो आप कर लो, मेरे को ना दे, ये दिए हैं शिवा ने, शिवा ले गया है लड्डू के लिए ये गिफ्ट। क्योंकि आज मैं खाना नहीं बना पाई बच्चों के लिए, मेरे गैस चूल्हे में प्रॉब्लम है, कल डॉक्टर के जाएगा ये, इसलिए गैस भी डॉक्टर के जाते ही। हाँ भाई, हमारा गैस जाएगा तो इसलिए मंगाया खाना बाहर से। बाहर से आ जाइए आप सभी, आप सबके लिए भी है कान्हा जी का बर्थडे। हाँ जी, लड्डू का बर्थडे है तो सबके लिए भिजवा देते हैं, क्योंकि बच्चे ने बुला रही हूँ, आज लेट भी बहुत हो गए हैं इसलिए, है ना हिमांशी? यस मामा जी। हाँ तो बस सबके घर भिजवा रही हूँ, और बाकी बच्चे आ जाएंगे केक के लिए, एक बच्चा तो आ भी नहीं रहा, और बाकी सबके लिए घर भिजवा रही हूँ। आपका एड्रेस मुझे नहीं पता, जिनका एड्रेस पता है वो भी दूर है, किसका है? शुभम भाई। टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 10:30, और बाहर से हम अभी आके बैठे हैं, तो टाइम हो चुका है रात के, पूरे दिन आज काम कर करके। पूरा है ना, तो नींद आ रही है अभी, और मैंने ब्लॉग की मतलब आप सबसे बाय भी नहीं कहा, ब्लॉग की एंड भी नहीं किया है, तो मैंने अब सोचा कि अब ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, फिर सोते हैं, मिलते हैं आप सभी से सुबह, फिर जल्दी उठना है, बच्चे स्कूल जाएंगे, हिमांशी स्कूल जाएगी, और हिमांशी भी बच्चों को भी बोलती हूँ सो जाएं, और 11 बज रहे हैं, बाहर अभी बैठ के आए थोड़ी देर के लिए, वो बाहर एक रूटीन बन गई है ना, तो वॉक तो आज हम करके नहीं आए हैं, और दिसो और शिवा भी आया हुआ है, और शिवा को ले आया था दिसो, मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम। होती ना रिबन वगैरह डाल, मैं दिख तो रहा हूँ नहीं, ये रही है हिमांशी है, पर काली लग रही जब मैं लाइट की वजह से हाँ। लाइट आई ना, हाँ। लाइट का बोलत मैं ना डीप से रूम, और ये शिवा यहाँ पे, शिवा है दीसु के व्लॉग में आता है, व्लॉग पे हो जा फेमस, इसलिए मेरे को मत ले गो, ओहो कॉपीराइट लगा दूंगा, ओहो मैं वॉइस ओवर ना करूं, तेरी वॉइस ही डालूंगी, देखूंगी फेमस होंगी, स्ट्राइक मारूंगा। ओ भाभी मैं तो बहुत अजीब सी लग रही हूँ, देख कर डर भी लग रहा हूँ, लाइट भगी लो अब। हाँ,
दीदी इसमें जब हुई ना तो लाइट ही ना ऑन लाइट।